2003 में मारुति सुजुकी लेके आया था द ग्रैंड विटारा एक्सएल 6। ये एक CBU इंपोर्ट वाली SUV थी, इसमें V6 वाला इंजन था। इसके बाद में एक्सएल 6 बन गई द ग्रैंड विटारा इन 2007। 2014 में मारुति सुजुकी ने इसको स्टॉप किया, इसका जो सेल है, और इसको रिप्लेस किया विद द S-Cross। अब S-Cross को रिप्लेस करेगा ये है ग्रैंड विटारा। इसका ये हाइब्रिड वर्जन है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है, जो कि टोयोटा के साथ में मिलके बनाया गया है। टोयोटा इसको बेचेगा एज द अर्बन क्रूजर हाई राइडर, मारुति इसको बेचेगा एज द ग्रैंड विटारा। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा फ्रॉम इंडियाज नंबर वन कार मेकर। अगर डिज़ाइन की बात करें, एक्सटीरियर्स की बात करें, तो काफ़ी कुछ मेल करता है, काफ़ी कुछ सिमिलर है टू द टोयोटाज अर्बन क्रूजर हाई राइडर। लेकिन चेंजेस भी है, गाड़ी बनेगी एट द टोयोटा प्लांट, टोयोटा बना के इसको देगा टू मारुति और मारुति इसको यू नो सेल करेगा एज पर देयर ग्रैंड विटारा मॉडल। चेंजेस की बात करें तो आपको ये सॉफ्ट गोल्ड वाला यहाँ पे जो क्रोम का जो इंसर्ट है, ये सॉफ्ट गोल्ड में फिनिश किया हुआ है एंड लुक्स वेरी डिफरेंट। काफ़ी एक अलग सा एक फेस है इसका। ग्लॉसी ब्लैक का ग्रिल है, सुजुकी का एक प्रोमिनेंट यहाँ पे लोगो है। आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, यू गेट 360 डिग्री कैमरा, तो फ्रंट कैमरा यहाँ प्लेस किया हुआ है। फॉस्किड इंसर्ट्स है यहाँ पे, दिस अगेन इज इन ग्लॉसी सिल्वर फिनिश। अगर लाइट्स की बात करें तो हेडलाइट जो है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। काफ़ी बड़ा सा एक यूनिट है, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स है इसके सराउंड में। और जो इसका यूनिक फेस को स्टाइल देता है वो है ट्रिपल स्टेज वाले DRLs जो कि यहाँ प्लेस किए हुए हैं, स्लिम डिज़ाइन वाले इनसाइड इन्फ्यूज किए हुए हैं इनटू द बॉडी लाइन। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको R17 का आपको व्हील्स मिल जाते हैं, आपको स्क्वायरिश वाले फेंडर्स मिल जाते हैं, व्हील आर्च मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक के इंसर्ट दिखेंगे जो मैच करता है विद द ग्रिल। ड्यूअल टोन अलॉयज हैं यहाँ पे, R17 के व्हील्स हैं ये, काफ़ी सारा क्लियरेंस है। दिस अगेन इज़ अ वेरी हेल्दी लुकिंग SUV, एक टिपिकल SUV का जो इसका जो फ्लेक्स्ड जो लुक है वो है। एक शार्प शोल्डर लाइन है, वेस्ट लाइन है, ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है, गाड़ी लेंथ में काफ़ी लंबी है। साइड कैमरा यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, दिस इज़ द साइड कैमरा ओवर हियर आपके विंग मिरर में। क्रोम का यूज़ सेटल किया हुआ है, अगेन यू हैव दिस सॉफ्ट गोल्ड वाला जो क्रोम फिनिश है वो आपको यहाँ मिल जाता है। डोर हैंडल्स है, ये है आपका डोर का रिक्वेस्ट बटन। साइड में आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाता है, अगेन बॉडी कलर वाला क्लैडिंग है ये, दिस अगेन कंटिन्यूज हियर। अगर साइड्स की बात करें तो क्वार्टर ग्लास इज प्लेस्ड ओवर हियर। जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो है ये, दिस इज द क्रोम, जो सॉफ्ट गोल्ड क्रोम है वो यहाँ पे अगेन इंसर्ट किया हुआ है टू गो अलॉन्ग विद द थीम, ओवरऑल थीम। इसका जो रूफ रेल है वो भी सिल्वर में फिनिश किया हुआ है, शार्क फिन एंटेना है। काफ़ी बड़ा एक पैनोरमिक यू नो ड्यूअल ओपनिंग वाला पैनोरमिक सनरूफ है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट कार टू गेट अ ड्यूअल ओपनिंग पैनोरमिक सनरूफ फ्रॉम मारुति। ब्रेजा वॉज द फर्स्ट कार टू गेट एन इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑन द लाइनअप, लेकिन ये है ड्यूअल सनरूफ एंड दिस इज द ग्रैंड विटारा। जितना यूनिक और स्पोर्टी लुकिंग इसका फ्रंट और साइड है, उतना ही अलग और यूनिक है इसका रेयर प्रोफाइल। ग्रैंड विटारा का एक प्रोमिनेंट आपको बैजिंग यहाँ मिल जाता है इन क्रोम, काफ़ी बोल्ड है एंड इंटीरियर फेस वाला स्टाइलिंग है। सुजुकी का लोगो है यहाँ पे, ये आपका रिवर्स कैमरा है, एक कैमरा ऑन द फ्रंट, दो कैमरा ऑन द साइड विंग मिरर्स, और ये है फोर्थ कैमरा, तो यू हैव अ 360 डिग्री सराउंड कैमरा। आपको एंड टू एंड जो जॉइन करता है कनेक्टिंग वाले आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, LED टेल लैंप्स है ये, ट्रिपल स्टेज में ये ग्लो करते हैं 1, 2, 3। काफ़ी एक यूनिक एक स्पोर्टी लुक देता है ये रेयर प्रोफाइल को। आपको वर्टिकली प्लेस्ड लैंप्स मिल जाते हैं, योर टर्न लैंप, ये आपका रिवर्स लैंप है, ये आपका स्टॉप रिफ्लेक्टर है, ये भी आपको याद दिलाएगा ऑफ द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। लेकिन स्टाइलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाइब्रिड का एक प्रोमिनेंट बैजिंग है यहाँ पे, दिस इज़ द प्योर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इसमें आपको एक माइल्ड हाइब्रिड भी मिलता है एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन ऑफ द ग्रैंड विटारा। ग्लॉसी सिल्वर में आपको फॉस फिट प्लेट मिलते हैं, काफ़ी बोल्ड है ये। इसका जो पीछे का जो टेल गेट है वो भी काफ़ी बड़ा है, स्पॉइलर के साथ में आता है ये। स्टॉप लैंप है यहाँ पे, रेयर वॉश वाइप है, डीप फॉगर है। ग्रैंड विटारा का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है और स्पोर्टी है, अलग लुकिंग गाड़ी है एंड इट डिमांड्स लॉट ऑफ अटेंशन जहाँ भी ये जाएगी, जहाँ भी ये खड़ी रहेगी। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड को पावर करता है एक फुल्ली हाइब्रिड टोयोटा सोर्स किया हुआ इंजन, 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है ये। ये इंजन बनाता है 116 हॉर्स पावर। टॉर्क के मामले में ये पेट्रोल इंजन 122 Nm टॉर्क बनाता है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 141 Nm ऑफ टॉर्क बनाता है। ये है की रिमोट ऑफ द ग्रैंड विटारा, ये है ग्रैंड विटारा। इसके बूट खोलने के लिए आपको इलेक्ट्रिक ओपनिंग बटन रिमोट पे नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक ओपनिंग बटन मिल जाता है।
बूट खुलता है कुछ ऐसे, आपको 280 लीटर का बूट मिल जाता है इन द हाइब्रिड वर्जन, 300 लीटर आपको मिल जाता है इन द नॉन हाइब्रिड, इन द सेमी हाइब्रिड मॉडल। इसका जो 20 लीटर का जो कम हुआ है जो स्पेस, वो है बिकॉज ऑफ इट्स हाइब्रिड बैटरी पैक जो यहाँ पे इंक्लूड हुआ है इनटू द बूट। लेकिन ये लोगों ने स्मार्टली इसको स्पेस मैनेजमेंट करके दे हैव गिवन यू अ शेल्फ ओवर हियर, तो आप कुछ सामान यहाँ पे रख लो, कुछ सामान यहाँ पे रख लो। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हाइब्रिड वर्जन है ग्रैंड विटारा का, उसमें आपको ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रिक को जो सिग्निफाई करता है वो है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन का कलर, तो ये अलग है एज़ कम्पेयर टू द नॉन हाइब्रिड या सेमी हाइब्रिड वर्जन है। ये है आपका कंट्रोल पैनल फॉर योर हेड्स अप डिस्प्ले, ये इसका पोजीशनिंग है, ये आपका 360 डिग्री कैमरा का जो ऑन ऑफ करना व्यू है वो है यहाँ पे, दिस इज फॉर द लाइट फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो 3-spoke स्टेयरिंग है यहाँ पे, आपके सारे MFD बटन्स है यहाँ पे, ये आपके कंट्रोल्स हैं अगेन फॉर योर क्रूज कंट्रोल एंड योर मोबाइल कनेक्टिविटी। आपको 7 inches का एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है एंड ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन द हाइब्रिड वर्जन। जो नॉन हाइब्रिड वर्जन है उसमें आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है, बीच में आपको छोटा सा डिस्प्ले मिलता है एंड यू हैव 2 analog meters for the speedometer and this thing RPM meter। Heads up display ये रहा, this is the heads up display जो आपको बताता है on the charge and the way the car is running। अगर battery power कर रहा है गाड़ी को, engine power कर रहा है battery को, that is all seen over here in a very good and easy animation। इसका display भी काफ़ी easy है read करने के लिए, ये है इसका EV मोड, ये है इसका इंजन मोड रेडी है, ये है आपका चार्ज, ये है इसका इंजन टेम्परेचर, फ्यूल मीटर, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर आप ड्राइव मोड चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको पावर मोड दिखाएगा एंड इको मोड दिखाएगा एंड देन यू हैव द नॉर्मल मोड जिसमें कुछ डिस्प्ले नहीं आता। अगर सेंट्रल कंसोल की बात करें तो ये है इसका AVN सिस्टम। AVN सिस्टम आपको जो है जो नॉर्मल नॉन हाइब्रिड जो है सेमी हाइब्रिड है उससे थोड़ा अपडेटेड वाला है ये। यहाँ पे आपको जो हाइब्रिड का वर्किंग है उसका आपको यहाँ पे एक एनिमेशन मिल जाता है, वेरी कूल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है वो आपको बताएगा ये यहाँ पे। तो दिस सिस्टम इज यू नो कनेक्टिविटी के मामले में ये कॉम्पेटेबल है विद एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले एंड एवरीथिंग। इसके अलावा आपको एक वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, दिस इज़ द वायरलेस चार्जर जो मिसिंग है इन द सेमी हाइब्रिड वर्जन। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल बरकरार है यहाँ पे। ये आपके चार्जिंग के पोर्ट्स हैं यहाँ पे, दिस इज़ द USB एंड दिस इज़ द 12-volt आउट पावर आउटलेट, दिस इज़ योर वायरलेस चार्जर। ये है आपका शिफ्टर। अगर शिफ्टर की बात करें तो ये ECVT वाला जो ट्रांसमिशन है ओनली ऑन द हाइब्रिड वर्जन। तो यहाँ पे आपको ड्राइव के मोड मिल जाते हैं, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल, ये है ड्राइव एंड दिस इज द बर्स्ट मोड। अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप यू नो यू आर ऑन अ हिल, अगर आप हिल चढ़ रहे हैं, यू नीड यू नो कॉन्स्टेंट पावर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये है काफ़ी यूनिक कंट्रोल बटन। अगर आपको सिर्फ EV मोड में चलाना है इन द बैटरी मोड तो आपको ये बटन दबाना है। तो द कार वर्क्स फॉर 20-25 के स्पीड पे, फॉर 20 किलोमीटर्स के आसपास। ये आपका ड्राइव मोड है इको पावर, उसमें टॉगल करने के लिए। और ये है आपके फ्रंट सीट्स का जो वेंटिलेशन है वो चलता है ऐसे, तो दिस इज टू एक्टिवेट द सीट वेंटिलेशन, जो कि अगेन मिसिंग था इन द ग्रैंड विटारा जो सेमी हाइब्रिड था। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, अगेन ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, यहाँ पे आपको पैडिंग मिलेगा थोड़ा, यहाँ इसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो जैसे आपको सामने सॉफ्ट गोल्ड वाला जो फिनिश मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है इंसर्ट, दिस अगेन एक काफ़ी अलग एक सूदिंग फील दे रहा है, एक डिफरेंट लुक देता है ये कैबिन को, मेटल वाले इंसर्ट्स, ड्यूअल टोन फिनिश है। यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल जाता है, अगेन येलो गोल्ड कलर का स्टिचिंग है, हैंड स्टिचिंग है यहाँ पे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये हेड्स अप डिस्प्ले है, ये आपका ऑटो डिमिंग मिरर है, दिस इज ऑटो डिमिंग मिरर। ये आपका सनरूफ जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन है, काफ़ी बड़ा एक सनरूफ है, पैनोरामिक ड्यूअल ओपनिंग सनरूफ है ये। अगेन दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट इन दिस सेगमेंट, आपको सिर्फ टोयोटा जो हाई राइडर है अर्बन क्रूजर उसमें एंड इन द ग्रैंड विटारा उसमें आपको मिल जाता है। ग्रैंड विटारा के फ्रंट सीट में आपको सीट वेंटिलेशन तो मिल जाता ही है, इसमें इसके अलावा आपको एक परफोशन का एक यहाँ पे एक क्विल्टिंग वाला एक लुक मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टिंग वाला लुक मिल जाता है। साइड में पैडिंग है यहाँ पे, सीट का जो हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी बड़ा है, साइड में भी आपको ब्लॉस्टरिंग मिल जाता है सपोर्ट करने के लिए आपके बैक को। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है एंड फील्स वेरी कंफर्टेबल, एक काफ़ी एक ककून सा एक फील है इन द फ्रंट सीट्स ऑफ द ग्रैंड विटारा हाइब्रिड। अगर रेयर सीट की बात करें तो फर्स्ट थिंग्स जो मेरे नज़र में आया है वो है ये गोल्ड वाला इंसर्ट, सॉफ्ट गोल्ड वाला इंसर्ट जो आपको डैशबोर्ड में मिलता है वो यहाँ बरकरार है एंड ग्लॉसी ब्लैक, पियानो ब्लैक वाला भी यहाँ पे इंसर्ट है।
एक येलो वाला हैंड स्टिचिंग है, ये मुझे वेलकम कर रहा है इनसाइड द इंटीरियर कैबिन रेयर सीट ऑफ द ग्रैंड विटारा। गेटिंग इन इज वेरी इजी। अंदर आने के बाद में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है कि यहाँ पे काफ़ी सारा नी रूम है, गाड़ी काफ़ी बड़ी है, ये एसयूवी काफ़ी बड़ी है, फुल हाइब्रिड वर्जन है ये, काफ़ी सारा लाइट अंदर आ रहा है आपको। यहाँ पे पहले बात तो आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, तो ये सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में दिस इज यू नो अ कमेंडेबल यू नो इंसर्ट। इसके अलावा आपको एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। कंफर्ट के मामले में सीट का पैडिंग इज प्रिटी नीट, परफोरेशन है यहाँ पे, एंड सिटिंग इज प्रिटी कंफर्टेबल, लॉट ऑफ लाइट कमिंग इनटू द कैबिन। अगर मैं बीच में आ जाऊँ तो यहाँ पे भी बैठना काफ़ी इजी है। यहाँ पे दो एसी के वेंट्स हैं, दो मोबाइल के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल यूएसबी, एक यूएसबी सी मोबाइल का यहाँ पे एक जगह है टू कीप योर मोबाइल। जो कमेंडेबल जो बात है वो है कि यहाँ पे जो बीच में बंदा बैठेगा उसको ही गेट्स अ प्रॉपर यू नो थ्री पॉइंट वाला सीट बेल्ट, तो विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक सेफ्टी फीचर। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड जो गाड़ी है ये चलाने में कैसी है आपको हम बताते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका जो प्योर ईवी मोड है, हमने ये बटन दबा दिया और हम प्योर ईवी मोड में चले गए अभी, तो यहाँ पे आपको ईवी मोड ग्लो हो रहा है। अभी इंजन टोटली शट ऑफ हो गया है, हम बैटरी के जोर पे जा रहे हैं, और मज़े की बात है कि हम कोस्ट कर रहे हैं, हम स्लोप के नीचे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो बैटरी चार्ज भी कर रहा है, जो व्हील्स हैं जो वो रोटेशन में चार्ज कर रहे हैं बैटरी को। मेरा बैटरी का जो पावर है वो फुल दिखा रहा है, इंजन इज टोटली शट ऑफ, तो मैं फ्यूल भी सेव कर रहा है। ये है फ़ायदा हाइब्रिड गाड़ी का, ये है ग्रैंड विटारा हाइब्रिड। 27.5 किलोमीटर्स का क्लेम करता है मारुति इसका माइलेज, और 23-24 किलोमीटर पर लीटर मिलना इज़ वेरी ईजी अगर आप दिमाग से गाड़ी चलाएं एंड यू यूज सम यू नो सिंपल लॉजिक एंड ड्राइव द कार, तो आपको हाई माइलेज मिलना काफ़ी आसान है ऑन दिस ऑन द हाइब्रिड कार। कमिंग बैक, इसका जो ड्राइव फील है, इसका जो स्टेयरिंग है, इसका जो मोड्स है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आपको ड्राइव में दो मोड मिल जाते हैं, पावर मोड एंड इको मोड। इको मोड में आपका जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, लेकिन जो माइलेज है, जो इसका जो रनिंग है वो ज़्यादा होगा, और पावर मोड में यू गेट ऑल द पावर जो अवेलेबल है ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑन ऑन द कार, ऑन द इंजन ऑफ द कार, तो दोनों चीज़ विल यू नो पावर द कार, और आपको फुल पावर मिलता है इन द पावर मोड। सस्पेंशन के मामले में ये गाड़ी हैज़ बीन ट्यून्ड फॉर इंडियन कंडीशन। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा एक यू नो आपको फील दे रहा है, एक प्लश फील दे रहा है, एसयूवी का फील दे रहा है। ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड जो वर्जन है, जो इसका वेरियंट है, इसका जो एवियन सिस्टम है यहाँ पर आपको दिख जाता है। यू कैन सी कि ये आपका इंजन है, ये आपका मोटर है, और ये आपका बैटरी पैक है। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, लेकिन जहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये बैटरी अभी दे रहा है पावर इंजन को, इंजन दे रहा है पावर मोटर को और बैटरी को, ये आपको यहाँ पे सब दिख जाता है। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है वो मारुति की खासियत है। मेनी ऑफ देयर कार्स हैव दैट माइल्ड हाइब्रिड, SHVS जो कहता है मारुति उसको। हम चला रहे हैं द माइल्ड हाइब्रिड ग्रैंड विटारा, ये है इसका ऑटोमेटिक वर्जन। हमने मैनुअल वर्जन चला लिया है, दिस इज़ द ऑटोमेटिक। अगर आप मुझे पूछे तो जो मुझे अच्छा लगा है, फर्स्ट थिंग्स बिहाइंड द स्टेयरिंग इज़ ये जो इसके काफ़ी बड़े मीटी पैडल शिफ्टर्स हैं, काफ़ी बड़े हैं ये, एंड इनटू योर हैंड्स इजीली पड़ जाते हैं, यू कांट मिस देम। और ये एक 6-speed ऑटोमेटिक के साथ में आता है, द सेम इंजन एंड द सेम माइल्ड हाइब्रिड इंजन स्पेसिफिकेशन। ड्राइव के मामले में ये ऑटोमेटिक थोड़ा स्लगिश है एज कम्पेयर टू द मैनुअल वर्जन, एंड नेचुरली सो, लेकिन आपको एक ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो कैन शिफ्ट द गियर्स, आप गियर्स भी शिफ्ट कर सकते हैं एट योर ओन विल। ये मैंने डाउन शिफ्ट किया मैनुअली, आई कैन शिफ्ट टू सेकेंड एंड गेट सम मोर टॉर्क। अगर मेरे को अप शिफ्ट करना है तो मैं ये अप शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड इसके बाद में अगर आप पैडल शिफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो जो इसका ड्राइव फील है वो काफ़ी लाइवली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन ऑटोमेटिक जो शिफ्टिंग है। बट देन ओवरऑल ये आपको काफ़ी कन्वीनियंस देगा आपके डेली ड्राइव में, यू नो इन सिटी ड्राइव्स एंड ट्रैफिक कंडीशंस में ये आपको काफ़ी कन्वीनियंस देगा, कंफर्ट देगा, एज देयर इज नो क्लच, दिस इज द ऑटोमेटिक ग्रैंड विटारा। तो ये था हमारा वीडियो रिव्यू ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन है ये गाड़ी कॉम्पीट करती है इन इट्स सेगमेंट। अगर आप मुझे पूछे तो इसका कॉम्पिटिशन अभी हाइब्रिड में तो कोई नहीं है, ओनली द टोयोटा अर्बन क्रूजर जो हाई राइडर है
जो कि हाइब्रिड है वो इसका कंपटीशन करती है। लेकिन अगर आप कॉस्ट और सेगमेंट की बात करें तो आपको हुंडई की क्रेटा मिल जाती है, किया सेल्टॉस कॉम्पीट करती है इसके साथ में, टाटा की हैरियर है, वोक्सवैगन का जो टाइगोन है वो इससे कॉम्पीट करता है, स्कोडा का कुशाक भी कॉम्पीट करता है, एंड महिंद्रा का जो XUV700 है वो भी कॉम्पीट करता है इन दिस सेगमेंट। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें मारुति मिस कर रहा था, उनका जो मॉडल था एस क्रॉस था, लेकिन दे डिडंट हैव अ प्रॉपर फुल साइज्ड SUV, तो ये है जो उन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है विद टोयोटा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। ये गाड़ी काफ़ी यू नो स्मार्ट लुकिंग है, स्मार्ट फीचर्स है इसमें, 27-28 का किलोमीटर्स का आपको इसमें माइलेज भी मिल जाता है। ये हाइब्रिड वर्जन है तो आपको माइलेज तो काफ़ी सारा मिलता है ऑन दिस कार, तो बचत के मामले में भी आगे है ये गाड़ी, सेफ्टी के मामले में भी आगे है ये गाड़ी। ये गाड़ी बनाएगा टोयोटा और बेचेगा मारुति। यू हैव टू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस, आपके क्वेश्चंस आने दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड यू हैव टू यू नो मोटिवेट अस, लाइक करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी हिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। आई एम साइनिंग ऑफ, रितेश मधोक फ्रॉम उदयपुर। दिस इज द ग्रैंड विटारा हाइब्रिड।